ब्रैंडन मैकलम जब से केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़कर गया है ना 2022 में, तब से ही केकेआर यानी कोलकाता मैनेजमेंट चाहता है कि उनके टीम में ना एक बेहतरीन कोच शामिल हो जो कि केकेआर को थोड़ा सा मतलब ट्रॉफी का स्वाद चखवा पाए। तो इस जगह पर केकेआर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया है। लेकिन आज के वीडियो में ना हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि पांच ऐसा कोचेस के नाम बताएंगे ना जो कि केकेआर में आ सकता है और बेहतरीन तरीके से कोचिंग भी करवा सकता है केकेआर के प्लेयर्स को। ठीक है, मतलब देखो 2023 में उनको भाई रिक्रूट करना ही पड़ेगा। तो मैं अगर थोड़ा सा अपना राय दे दूं आप सभी लोगों को वो कैसा लगेगा वो भाई आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हुए अगर मैं बात करूँ कि मैं कैसे तरीके से बताऊंगा कि मैं टोटल पांच कोचेस का नाम बताऊंगा, उनमें से आप किसी को भी अगर हेड कोच बना देते हो ना तो केकेआर के मैनेजमेंट का ही फायदा होगा। ठीक है, तो मैं जिस कोच का ही नाम लूंगा ना वो सभी बेहतरीन है, मतलब इसमें बताने की बात नहीं है, उनके पास अलग वाला लेगेसी है जो कि वो कोचिंग करवा के हासिल किया है। तो उस जगह पर बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो होने वाला है, तो चलिए वीडियो को एकदम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लूंगा वो होगा साइमन कैटिच। तो साइमन कैटिच एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर था और वो 2022 में ना एसआरएच के साथ जुड़ा था, लेकिन वो ना मिडिल पर छोड़कर चला गया था एसआरएच को। एक कारण है क्योंकि वो मतलब एक बयान दिया था कि वो जैसा टीम चाहते थे वैसा टीम नहीं हुआ है, तो इसी की वजह से वो छोड़कर चला गया है। लेकिन फिर भी ना ये कोच 2020 और 2021 में ना आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का कोचिंग करवाया था और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी किया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, तो उस बेसिस पर आप सभी लोगों को क्या लगता है कि साइमन कैटिच को क्या केकेआर का कोच बनाया जा सकता है, इसके ऊपर आप लोग ना कमेंट पर बताओ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं जिनका नाम लूंगा वो होगा ट्रेवर ब्लेडिश। ठीक है, ट्रेवर ब्लेडिश भी एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर है और ये कोच ना एसआरएच यानी सनराइजर हैदराबाद को कोचिंग करवा चुका है कुछ सालों के लिए, और उसके साथ ये ना सिडनी सिक्सर्स को भी बीबीएल में कोचिंग करवाता है। तो इनके पास भी एक्सपीरियंस है कि वो कोचिंग करवाए और बेहतरीन तरीके से करवाए, तो उस जगह पर केकेआर इनके ऊपर भी देख सकता है। उसके बाद मैं जिस कोच का नाम लेने वाला हूँ ये ना मतलब अकॉर्डिंग टू मी इस लिस्ट का सबसे बेहतरीन कोच हो सकता है अगर वो रिक्रूट करता है। ठीक है, तो मैं नाम लेने जाऊंगा जस्टिन लैंगर का, जो कि कुछ सालों के लिए ऑस्ट्रेलियन कोच रह चुका है। उसके साथ ये कोच ना बीबीएल में 3 दफ़ा अपना टीम को ट्रॉफी जितवा चुका है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप भी ये कोच ही दिया है। तो उस जगह पर इस कोच का अगर रिक्रूट करता है केकेआर ना तो बहुत ही बेहतर होगा केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि कोलकाता के पास एक ऐसा मतलब वर्ल्ड क्लास लेवल का कोच आ जाएगा ना जो कि बेहतरीन तरीके से इनको मैनेज कर सके केकेआर के टीम को, क्योंकि हाई प्रोफाइल क्रिकेटर भी आएगा। मतलब देखो कोचिंग की अगर बात करें ना तो ज्यादातर सब खिलाड़ी को पता है कि कैसे बल्लेबाजी किया जाता है या फिर कैसे गेंदबाजी किया जाता है, लेकिन कोच का या फिर हेड कोच का जो मेन काम होता है ना वो है टीम मैनेजमेंट। मतलब वो कैसे प्लेयर को मैनेज करता है, कैसे प्लेयर को खिलवाता है, ये ना कोच का मतलब काम होता है। तो उस जगह पर जस्टिन लैंगर एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है, जिसमें मेरा टोटल राय है कि भाई जस्टिन लैंगर को कैसे भी करके ले आया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय देना है जरूर से कॉमेंट पर बताओ। ठीक है, उसके बाद मैं जिनका नाम लेना चाहूँगा वो है जैक कलिस। जैक कलिस नो डाउट केकेआर का प्लेयर भी रहा है, केकेआर का कोच भी रहा है। ठीक है, लेकिन वापस से अगर आप उनको ले आना चाहते हो तो ले आ सकते हो, लेकिन इनका रिक्रूट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा इसके ऊपर भी बहुत ही डिबेट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनको वापस से ले आना चाहते हो तो ले आ सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फायदा कहाँ पड़े। ठीक है, मतलब फायदा नहीं है ज्यादा, तो मैं बताऊंगा कि आप इनके ऊपर भी देख सकते हो। ठीक है, मतलब देखा जा सकता है, मतलब रिक्रूट क्या करोगे या फिर नहीं करोगे वो तो भाई मैनेजमेंट का मामला है। ठीक है, उसके बाद लास्टली मैं जिनका नाम लेना चाहूंगा ना वो है डेविड हसी। देखो अभी भी ना केकेआर का मेंटोर है, मतलब 2022 में भी था और 2023 में भी रह सकता है अगर केकेआर उनको हेड कोच ना कर दे। मतलब केकेआर के पास एक ऑप्शन है कि वो मेंटर को मतलब डेविड हसी को हेड कोच कर दे, जहां से वो टीम को आगे तक ले जा सकता है। लेकिन ब्रैंडन मैकलम के एब्सेंस में ना मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर को एक मतलब अलग लेवल का कोच चाहिए जो कि जस्टिन लैंगर ना फिट बैठता है। मुझे ऐसा लगता है भाई जस्टिन लैंगर को अगर ले आ पाते हो तो भाई आला किस्म का एक मतलब रिक्रूट हो जाएगा कोचिंग के मामले में। आप सभी लोग इसके ऊपर क्या राय दे रहे हैं वो जरूर से कमेंट कर बताओ, और आप सभी लोगों के मुताबिक कौन सा कोच को हेड कोच बनाना चाहिए वो भी जरूर से कमेंट पर बताओ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट कर बताओ। और केकेआर फैंस के लिए मैं लिटरली ये वीडियो रेडी किया क्योंकि आप सभी लोगों का डिमांड आ रहा था कि भाई कोच के ऊपर वीडियो बनाओ कि कौन सा हेड कोच बन सकता है केकेआर का। ठीक है, तो बना दिया अभी। ठीक है, तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आगे भी आने वाला है और आपके लिए भाई, आपका भाई हाजिर है, तो उस जगह पर सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।